स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में, डी मॉर्गन लॉ के बारे में बताया आपने, मैंने ठीक है। फिर इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बोर्ड के पर्पज से और कॉम्पिटिशन के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। मैं आज टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके कंपटीशन पर्पस चाहे बोर्ड पर्पस दोनों से रिलेटेड करता है ये टॉपिक, ठीक है। तो चलते हम लोग टॉपिक पे। आज का आपका टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है, मान लीजिए इससे पहले के जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताता था उन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल और उसका सॉल्यूशन बता देता था, लेकिन अभी क्या होगा कि वही या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको समझाने के लिए मैं एक प्रकार की पिक्टोग्राफी का यूज करूंगा, यानी पिक्चर्स का यूज करूंगा, और उस पिक्चर्स में मैं रेक्टेंगल हो या सर्कल इनसे रिलेटेड करके मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, और इसी डायग्राम को डायग्राम कहते हैं, ठीक। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोटेड करते हैं एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है। एक रेक्टेंगल के फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को डिनोटेड करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अगर किसी सेट को डिनोटेड किया जाए तो सेट को एक सर्किल से डिनोटेड करते हैं, और इसके बाद अगर हम लोग किसी डिसजॉइंट सेट को डिनोटेड करना हो तो डिसजॉइंट सेट को डिनोटेड करने के लिए हम लोग डिसजॉइंट सर्किल का यूज करते हैं। ऐसे करके टू या थ्री सर्किल्स होंगे, ठीक है, जो आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे। फिर अगर मुझे इंटरसेक्टिंग सेट डिनोटेड करना हो तो इसके लिए भी इंटरसेक्टिंग सर्किल होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कोई एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद इसका वेन डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक यूनिवर्सल सेट है आपका जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के बाद मान लीजिए एक सेट है आपका, ठीक है। तो सेट ए, उसमें आपके जो सेट में एलिमेंट है आपके वो हो जाएंगे 1, 3, 5 और 7 मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना होगा मुझे, इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जिसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में डिनोटेड किया जाता है और जिसके एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए इसमें कोई एक सेट आपका ए है, ठीक है। इस ए सेट के जो एलिमेंट है 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। अगर मैं इसमें ए डैश निकालूं तो ए डैश निकालने का क्या तरीका होता है कि इसमें जितने भी ये आपके बचे हुए एलिमेंट दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 एंड 4 एंड 6, 2, 4 और 6, ठीक है। ये एलिमेंट आपके बचे हुए एलिमेंट है जो कि आपके सर्कल से बाहर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसी को एडेस कहते हैं, और वो कैसे निकालते हैं पिछली एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा एडेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं, ठीक। अभी तक सिर्फ कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता था, अभी क्या है वेन डायग्राम के माध्यम से समझिए। फिर चलते हम लोग बात कर लेते हैं कि वेन डायग्राम की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो वैल्यूज दी गई होंगी उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम कैसे बनेगा आपका, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन की, ठीक है, मान लीजिए कि है क्या चीज, वेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ आर यू आर गिवन, मतलब यू के यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग सबसेट दिए गए, मतलब दो सबसेट दिए गए हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसका अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा मुझे कि सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाएंगे जो कि आपका
रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उस सेट ए का डायग्राम बनाएंगे, ठीक, सेट बी का डायग्राम बनाएंगे, और जो कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग इंटरसेक्ट करा देंगे। तो इंटरसेक्ट कराने के बाद जो आपका लेफ्ट साइड का पार्ट होता है वो आपका ए माइनस बी होता है ना, क्योंकि ए में से बी को माइनस करके यही पार्ट बचता है आपका लेफ्ट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद राइट साइड का जो पार्ट होता है आपका वो बी माइनस ए होता है, और ये जो बीच का कॉमन पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम को डिनोटेट करते हैं अगर कोई भी दो इंटरसेक्टिंग सबसेट दिए गए हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकायदे फिगर वेन डायग्राम आपका बनता जाएगा। मान लीजिए एक कोई सेट यूनिवर्सल सेट, ठीक है, वो आपका यू जिसके एलिमेंट आपके दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। फिर इसके बाद इसका एक सबसेट है ए जिसके एलिमेंट दिए गए हैं आपके 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक कोई सेट आपका बी है जिसके एलिमेंट है आपके 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्टिंग एलिमेंट की बात करूं तो ए और बी में इंटरसेक्टिंग एलिमेंट का ये मतलब हो गया कि जो दोनों में कॉमन आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। कॉमन देखिए जरा 1, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 4, 6, 5 एंड 6, ठीक है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है आपका 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगी आपके 4 एंड 5। तो अगर इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये कि जैसे मान लीजिए आपका सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट आपके 1, 3, 4, 5 हैं, ठीक है। तो 1, 3, 4, 5 एलिमेंट का एक हम लोग सेट ए बना लेंगे, ठीक है, जो कि सर्किल के माध्यम से होगा। फिर बी सेट की बात करी जाए तो बी सेट में आपके जो एलिमेंट है 2, 4, 5, 6 हैं, वो भी बना लेंगे। रही बात इनके कॉमन की, कि इसके अंदर कोई दो एलिमेंट कॉमन है तो इनको इंटरसेक्टिंग एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग हम लोग इनको इंटरसेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जो एलिमेंट कॉमन है वेन डायग्राम में भी उन दो एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन दिखाएंगे जैसा आपका फिगर में दिख रहा है, ठीक है। फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है, 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट को हम लोग यूनियन से डिनोटेट कर देंगे जो कि आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। ये रहा आपका वेन डायग्राम, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।